हम यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे मिले हैं और उनकी जो जायज मांगे हैं उन्होंने सभी विपक्ष की पार्टियों के समक्ष रखी है और हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि इकट्ठे होकर हम पार्लियामेंट में किसानों को इंसाफ दिला सके और जो उनकी डिमांड है MSP की गारंटी की उसके लिए हम सरकार को मजबूर कर सके। इनकी किसानों की एक मांग है कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर तो क्या पार्टी की तरफ से आपको कुछ ऐसा मिला है या कुछ ऐसा? देखिए ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा पूरे विपक्ष की तरफ से, तो अभी इस पर जैसी भी भूमिका बनेगी उसके हिसाब से हम सभी लोग चलेंगे, लेकिन सब लोग साथ हैं। प्राइवेट मेंबर बिल आता है किसी और पार्टी के माध्यम से भी अगर आता है या हमारी पार्टी भी लाती है, ये अभी क्योंकि आज पहली बैठक थी तो इसमें अभी तय होने में वक्त लगेगा। ये लंबे समय से मांग तो चली आ रही है लेकिन सरकार ने पूरा नहीं किया, तो क्या ये अन्याय है या इनके साथ? बिल्कुल बेहद बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार जो है चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में करती है लेकिन जब बात पूरी करने की आती है तो इसी तरीके से जो किसान है उन्हें ठगा जाता है। और इसमें कोई इतना बड़ा तिजोरी या खजाना किसान नहीं मांग रहे, अपनी MSP की गारंटी मांग रहे हैं और इसी से किसान के घर का पालन पोषण होता है। हमारे यहाँ पर भी कई मिल हैं जहाँ पर लगातार पेमेंट भी नहीं 14 दिन की हो पाती है और सरकार ने यहाँ तक कहा था कि अगर 14 दिन की पेमेंट ना हो पाए तो उस पर भी ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन ना ब्याज मिलता है ना पेमेंट मिलती है ना गारंटी मिलती है। तो जिस तरीके से सरकार इस देश की रीढ़ की हड्डी होने वाले किसानों को तोड़ रही है वो सबके सामने है और विपक्ष की यही कोशिश है कि किसानों का मुद्दा हमेशा उठा रहे। जब भी MSP गारंटी की बात किया सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं किसानों। देखिए सम्मान की तो बात यह है कि अभी जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती है, तो क्योंकि किसानों का मजबूरी है कि वो अपनी फसल को रोक नहीं सकते, उन्हें देनी ही पड़ती है, इसी वजह से किसान इतने मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो सरकार ने जब 60 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं तो अगर वो किसानों का भी कर्जा माफ करे या उन्हें उनकी जो आय है वो दुगनी कर दे तो ये सरकार आसानी से कर सकती है। ये बस नीयत की बात है और सरकार की नीयत में खोट है, ये सरकार किसान विरोधी है और सिर्फ उद्योगपतियों की है और ये उदाहरण दे देकर उन्होंने कई बार जताया है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इस पर क्या कहना है? जी हम लोग बेहद खुश हैं इस बात को लेकर क्योंकि बहुत चिंता का विषय था। आप आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं लोगों को, ये तो फिर से अनटचेबिलिटी पे हमारा देश जा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं दिल से हमारे उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा खुद का क्षेत्र वहाँ पर लगता है तो ये जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं और दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, ये तो हम व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के लिए हमें और भी बहुत सारे तरीके हैं और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ गया। ये बौखलाहट है BJP को, जिस तरीके से हार उत्तर प्रदेश में मिली है उसके बाद वापस भेदभाव वाली अपनी राजनीति पर ये सरकार आ गई है और ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है, इसमें अर्थव्यवस्था का कोई मामला है ही नहीं। हाँ देखिए मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली को लखनऊ रास नहीं आ रही और उसके तहत बहुत सी राजनीति हमारे प्रदेश में चल रही है, तो अभी ये तो देखने को मिलेगा कि क्या होता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं जो मेरा क्षेत्र है वो किसान वहाँ पर बहुल्य है वहाँ पर और गन्ना बेल्ट है, मेरी खुद के घर में खेती होती है तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं किसानों की पीड़ा को और किसानों को सरकार के अलावा कोई और उनका संरक्षण नहीं कर सकता, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी से अब मुंह नहीं फेरना चाहिए और ये जिम्मेदारी समझ कर किसानों का संरक्षण करना चाहिए। हमें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े वादे किए हैं तो हमें उम्मीद है कि जो बजट होगा वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होगा और बजट में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं और महिलाओं की शिक्षा के लिए मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा और सरकार को ही अपनी जिम्मेदारी लेकर ये सब देना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी है लेकिन BJP ये कह रही है कि नाम दिखाने में दिक्कत ही क्या है, ये पिछली सरकारों में भी आदेश आए हैं, इसमें क्या दिक्कत है?
नहीं, आज से पहले हमने कभी नहीं सुना है इस तरीके के आदेश आए हैं। ये पहली बार ऐसे भेदभाव फैलाने वाला आदेश है और ये आइडेंटिफाई करा के आपको एक्सक्लूड कर रहा है कि आप अपनी पहचान बताइए ताकि आपके आपसे लोग सामान ना लें या एक भेदभाव उत्पन्न हो लोगों में। तो ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है और इसमें जो बीजेपी जिस तरीके की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है उसी पर अब वापस घूमकर आ रही है और ये मेरी नजर में चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके वजह से हुआ है, क्योंकि बीजेपी को काम दिखाने के लिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं, तो वो लोग सिर्फ एक तरीके की राजनीति जानते हैं और उसी पर घूम फिर कर वापस आ रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।